हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम। वेलकम है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज मैंने ना एक नई तेलुगु फिल्म देखी है जिसका नाम है किन्नर सानी। ये दोस्तों इसी साल जी ऐप पर रिलीज हुई एक तेलुगु फिल्म है जिसे मैंने कुछ देर पहले देख के ख़त्म किया है। इस फिल्म को तो अभी हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, बस दोस्तों मैंने इस फिल्म को इंग्लिश सबटाइटल साथ देखा। तो इसे देखकर जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा इस फिल्म के साथ, वो मैं आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि आखिरकार मुझे इस फिल्म में क्या कुछ देखने मिला, क्या ये फिल्म इतनी अच्छी थी भी ये नहीं। सबसे पहले दोस्तों थोड़ी बहुत कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों कहानी एक ऐसी लड़की की जिसको एक किताब मिलती है, जब वो पढ़ती है ना तो उसको ऐसा लगता है कि किताब उसी ऊपर लिखी गई है, यानी उसके पास्ट में जो कुछ हुआ है ना वो सब कुछ उस किताब के अंदर है। अब क्या है कहानी और साथ में उसके पिता का उस किताब से क्या कनेक्शन है, वो आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म का दोस्तों प्लॉट बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो उसमें थ्रिल का डोज डाला गया है ना वो लाजवाब से ऊपर है। वैसे ऐसे डोज है ना सिर्फ और सिर्फ मलयालम सिनेमा में देती है। मलयालम सिनेमा हम फिल्में देखते हैं तो हमें लाजवाब लगती हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस होता है दोस्तों तेलुगू या तमिल फिल्मों में ही देखने को मिले। तो ये मुझे तेलुगु फिल्म में ऐसा सस्पेंस देखने को मिला। फिल्म दोस्तों मुझे पूरा इन्जॉयमेंट दिया, यानी फिल्म मेरे को मस्त लगी और मैंने इस फिल्म को टोटली आराम से देखा। फिल्म मुझे कतई बोर नहीं किया, बस कमी थी इसकी हिंदी डबिंग की। अगर ये मूवी डायरेक्ट हिंदी में रिलीज़ करके देते तो और देखने में ज़्यादा मज़ा आता। तो दोस्तों मैंने इस फिल्म को देख लिया, जो भी मेरा अच्छा बुरा एक्सपीरियंस था मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हर प्रकार की आप इस मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो दोस्तों मिलता अगली वीडियो में एक और मूवी का रिव्यू लेकर। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बगैर मत जाना।